हाइलाइट्स आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है तेलुगु मूवी रिलीज हुई है लाइंगर का जो है आज हम लोग रिव्यू लेंगे फिल्मी सिकंदर। हाँ ये फिल्मी सिकंदर आज जो फर्स्ट शो देखे हैं लाइंगर मूवी, वो भी तेलुगु में। अरे देखो पहले तो मैं बोलूंगा करण जौहर जो इस मूवी का प्रोड्यूसर है उनका दिमाग देखो पहले। वो सोचे कि हिंदी में अगर हम सुबह सुबह लगाते हैं तो पब्लिक जाएगी और नेगेटिव बोल के मूवी की वाट लगा देगी। अच्छा। लेकिन हम वो इंसान है जो हिंदी नहीं लेकिन तेलुगु ही सही। जब वाट लगानी रहती है ना तो हिंदी तो छोड़ो, मैं तेलुगु तमिल कन्नड़ा सब में देख के वाट लगा सकता हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मैंने लाइगर देखी है इंग्लिश सब टाइटल के साथ तेलुगु में। अच्छा। और जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जैसी रहेगी मूवी वैसे ही बोलूंगा मैं। अच्छा। चलिए मूवी का पहले तो बोलूंगा कि मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि विजय सर बोलते हैं, वाट लगा दूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये अनन्या पांडे के ऊपर ये डायलॉग शूट करती है। वो मालूम क्या डायलॉग बोलती, ये मूवी की मैं वाट लगा दूंगी। और वही हुआ है, अनन्या पांडे ने मूवी की वाट लगा दिया। पहला नंबर की अनन्या पांडे 0% भी इस मूवी में शूट नहीं की है। वो हीरोइन दिखती नहीं है, वो ओवर एक्टिंग की दुकान है। मेरे को पता नहीं कि इसको हीरोइन बनाया किसने। और साथ में उनके फादर भी हैं चक्की पांडे भी, बाप बेटी मिलके मूवी को ना वाट लगा ही दिया। चलिए बात अब आते हैं हम विजय सर के ऊपर, विजय देवरकोंडा एंड रामिया मैम जो कि बाहुबली में भी थी। रामिया जो है बड़े मियां छोटे मियां में बहुत अच्छा। हाँ। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में रही हूँ, माँ की काम, माँ का काम। हाँ, उनका माँ का रोल है बाहुबली में, माँ का काम। जी। हाँ। अगर हम रामिया मैम की बात करें और विजय सर की बात करें तो दोनों का काम जो है सुपर्ब है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस, बहुत अच्छे से फर्स्ट हाफ उन्होंने बनाया है। चाहे वो एक्शन सीन्स हो, कॉमेडी हो, सॉन्ग्स हो, बिजियम हो, सभी अच्छे हैं। लेकिन मूवी मार खा जाती है सेकेंड हाफ में, जैसे इंटरवल होती है, इंटरवल के बाद जब मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी एकदम स्लो हो जाती है। उसके बाद मूवी को फटाफट स्क्रीन प्ले जो होता है ना, बहुत स्पीड से स्क्रीन प्ले उन्होंने लगाया है, तब जाके मूवी स्लो हो गई और कहीं ना कहीं पब्लिक को बोर होने लगती है मूवी। आप अगर फर्स्ट हाफ देखोगे ना तो ऐसा लगेगा यार बहुत अच्छी मूवी है, आप सोचेगा सेकेंड हाफ भी कड़क होगी, लेकिन सेकेंड हाफ उन्होंने ढीला बना दिया तो इसलिए पब्लिक को पसंद नहीं आई और मेरे को भी पसंद नहीं आई। बाकी अच्छा। विजय सर रामिया मैम का काम सुपर है। अगर मूवी को कोई ले डूबा है तो वो है अनन्या पांडे। अनन्या पब्लिक देखो, आप रिव्यू देख सकते हो पब्लिक का। सभी को यही एक क्वेश्चन है दिमाग में कि आखिर अनन्या ही क्यों, और भी हीरोइन थी हमारे इंडस्ट्रीज में बॉलीवुड में, श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर, एकदम सोनम कपूर का भी ले लेते तो यार तो चलता, वो दिखती भी है थोड़ी सकल चेहरे से दिखती है हीरोइन। लेकिन अनन्या पांडे ना एक्टिंग से दिखती है हीरोइन, ना चेहरे से दिखती है यार, बचकाना वो नाक में टच करती है जवान, वो सब यार बस उसी छुटिया गिरी है। वो अनन्या को एक ही चीज़ आता है, वो जवान से नाक को टच करना, वो बहुत अच्छे से करती है वो। यही तो चीज मतलब ये मूवी आपको अच्छी भी लगी नहीं भी लगी? फर्स्ट हाफ मेरे को अच्छी लगी, सेकेंड हाफ बेकार लगी। अब देखो अभी क्या होता है कि जब पब्लिक मूवी देखने बैठती है थिएटर में तो फर्स्ट हाफ चलो मान लिया कि पब्लिक को अच्छी लग गई। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक्शन बताया उसके बारे में, अरे एक्शन सीन्स तो यार काफी पैसा वसूल अगर होएगा तो आपका एक्शन सीन्स में। अच्छा। मतलब जब जब एक्शन सीन्स, जब जब फाइट सीन आते हैं ना तो बोलोगे यार क्या सीन्स है। इंटरवल के इंटरवल बाद सेकेंड हाफ में एक फाइट सीन्स है 5-10 मिनट का है, जहाँ पे आपको ना अक्षय कुमार की इंटरनेशनल खिलाड़ी याद आ जाएगी। अच्छा, अच्छा। जिसमें वो लड़की लोग के साथ फाइट करते हैं, यहाँ पे विजय सर लड़की लोग के साथ फाइट करते हैं, जबरदस्त वो सीन लगता है। अच्छा। मजा आ गया। इसमें ज्यादातर घुमा फिरा के देखा जाए पूरी मूवी जो है जो इसके अंदर जो हीरो है जी वही जो है मतलब उनके ऊपर पूरा निर्भर है। निर्भर है। अगर आप विजय सर के फैन हो एंड रामिया मैम के फैन हो तो आपको मूवी काफी अच्छी लगी। अगर आप सोचोगे अनन्या पांडे को देखने जा रहे हो आप तो यार अनन्या पांडे को उससे अच्छा ना घर पे बैठ के उसको फोटो ही देख लो, उसकी एक्टिंग देखने मत जाओ थिएटर में। वो एक्टिंग के नाम पे कुछ नहीं दिखाने वाली, बस छोटा छोटा कपड़ा पहनेगी और उसके पास है क्या यार देखने लायक, पब्लिक देखेगी क्या, है क्या उसके पास, कुछ है उसके पास जो दिखाएगी। देख के आए और बस यही जानना चाहूंगा कि इस मूवी को आउट ऑफ 5 कितना देंगे? देखिए फर्स्ट हाफ को देखते हुए मैं इस मूवी को 3 स्टार जरूर देता, लेकिन अगर सेकेंड हाफ मैंने देखने के बाद ना मेरा माइंड चेंज हो गया तो इसीलिए इस मूवी को दूंगा 2.5 स्टार में। ढाई स्टार। तो और जो 2.5 स्टार है क्या हिंदी देखने के बाद दोगे? हिंदी जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि अभी तेलुगु देखा हूँ, इंग्लिश सबटाइटल तो हिंदी में कल देखने वाला हूँ इसको वापस से, ताकि डायलॉग वगैरह मेरे को और समझ में आए, क्योंकि मेरे को एक्शन अच्छा लगा भाई, एक्शन सीन्स के लिए मैं दोबारा देख सकता हूँ। और बाकी रहा 2.5 स्टार तो 2.5 स्टार इसलिए काटा वो अनन्या के लिए और चक्की पांडे के लिए काटा हूँ, ये दोनों को जरूरी नहीं था बाप बेटी को लेने के लिए। और ये मास्टरमाइंड दिमाग करण जौहर का ही होगा मेरे को पता है। हाँ तो देख सकते हैं ये है फिल्मी सिकंदर, और आपको मालूम है BMW
BMW जो है मैं अपना जो है बॉलीवुड मेटनी वर्ल्ड जो कि आप लोग जो है देखते होंगे उसको मत भूलना सब्सक्राइब करने को और ऑटो वाले अंकल चैनल को हाँ ऑटो वाले अंकल चैनल को भी सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें हाँ बस इतना ही नमस्कार जय जय।